गुड डे कैडेट्स, मैप रीडिंग की श्रृंखला में हमने ग्रिड रेफरेंस के बारे में पहली क्लासेस में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बियरिंग और कन्वर्जन मेथड। इस कक्षा का उद्देश्य है कि आप लोगों को बियरिंग के बारे में समझाना। बियरिंग कहते किसे हैं? फर्स्ट, व्हाट इज़ बियरिंग? बियरिंग द क्लॉक वाइज एंगल फॉर्म्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज कॉल्ड द बियरिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स। यानी कोई भी दो बिंदुओं को नॉर्थ की दिशा से जो जोड़ जाता है, दो बिंदुओं को जो नॉर्थ की दिशा से जोड़ने से जो एंगल बनता है वो बियरिंग कहलाता है। और वो भी कौन सा? क्लॉक वाइज। वापस से हम समझना चाहेंगे, नॉर्थ दिशा के साथ में कोई भी दो बिंदुओं को आपस में जोड़कर जो एंगल बनता है वो बियरिंग कहलाता है। जैसे आप ये देखिए, इसमें ये है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर ये इस तरह से एंगल जो बना, मतलब यहाँ पे कोई एक बिंदु है और दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों को बिंदुओं को जब हम जोड़ेंगे आपस में तो जो यहाँ पर जो चीज़ बनी नॉर्थ के साथ में जो एंगल बनेगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, वो कहलाता है बियरिंग। ये दोबारा से इसमें देखिए, ये नॉर्थ की डायरेक्शन के पास में, और ये इसको हम एंगल को, बियरिंग को इधर से नहीं लेंगे क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज है। हमें हमेशा एंगल जो है वो क्लॉक वाइज ही रीड करना है, तो ये होगा बियरिंग। और इधर भी अब देख लीजिए, तो इसमें हम इसको 330, ये 30 डिग्री नहीं होके 330 डिग्री होगा क्योंकि हमेशा हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे बियरिंग। तो वापस से, बियरिंग है क्या? बियरिंग वो एंगल है जो नॉर्थ की दिशा के साथ दो पॉइंट को जोड़ने से बनता है, वो कहलाता है बियरिंग। ये देखिए, नॉर्थ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो जहाँ से खड़ा होके किसी चीज़ को देख रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन से उसका जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है बियरिंग। बियरिंग जब हम पढ़ने लगेंगे तो नॉर्थ की डायरेक्शन पढ़ेंगे, तो इसके लिए बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो NCC की मैक्सिमम एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है। तो हमें ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर करना है कि उत्तर दिशा तीन प्रकार की होती है। एक होता है ट्रू नॉर्थ, यानी वास्तविक नॉर्थ, यानी जो कहीं पर वास्तविक उत्तर दिशा जो ज़मीन पर है, पृथ्वी पर है, वो कहलाती है ट्रू नॉर्थ, जो वास्तव में है ज़मीन पर, कहीं ना कहीं वो रहती है, इंगित कर सकते हैं कि ये ट्रू नॉर्थ है, उसको कहलाते हैं वास्तविक उत्तर। दूसरा होता है जो हम कंपास की सहायता से नापते हैं, उसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ या चुंबकीय उत्तर। आपने देखा होगा कि कंपास एक हमारे पास एक साधन होता है जिसमें एक एरो होता है, वो एरो हमेशा नॉर्थ को इंगित करता है, चुंबक का एरो। तो चुंबक हमेशा कहाँ स्टे करेगी? नॉर्थ की डायरेक्शन को इंगित करते हुए रुकेगी, तो वो कहलाता है नॉर्थ। तो क्योंकि हम वो नॉर्थ चुंबक से देख रहे हैं, दैट इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ या चुंबकीय उत्तर। तीसरा उत्तर होता है ग्रिड नॉर्थ। जब भी हम ग्रिड की बात करते हैं तो ग्रिड का दिमाग, जैसे नाम आता है तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम नक्शे की, मानचित्र की या मैप की बात कर रहे हैं। तो जो मैप में नॉर्थ होता है, जो मैप में लाइंस दिखा रखी होती है, ब्लैक लाइंस जो नॉर्थ को इंगित करती है, वो कहलाती है ग्रिड नॉर्थ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। फर्स्ट, ग्रिड नॉर्थ जो मानचित्र में होता है, दूसरा चुंबकीय नॉर्थ जो हम कंपास की सहायता से देखते हैं, तीसरा होता है ट्रू नॉर्थ जो वास्तव में ज़मीन पर कहीं पर, धरातल पर, भूभाग पर, पृथ्वी पर है, वो कहलाता है ट्रू नॉर्थ। तो जब हम ग्रिड नॉर्थ की बियरिंग लेते हैं, ग्रिड नॉर्थ से लेते हैं, यदि नक्शे के ऊपर हम कोई एंगल नापते हैं तो वो कहलाता है ग्रिड बियरिंग, ठीक है। जब भी हम कोई भी नक्शे में लाइंस के साथ में किसी भी एंगल को हम देखेंगे, और हम इसको हम किसके द्वारा देखते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर। हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है, जो हमारे लोकल लैंग्वेज हम जिसको चांदा या डी कहते हैं, वही जो रेक्टेंगुलर शेप या आयताकार शेप में जो होता है उसको हम सर्विस प्रोटेक्टर कहते हैं। जब सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से नक्शे में कोई भी एंगल को पढ़ा जाता है तो वो कहलाता है ग्रिड बियरिंग। फिर आता है मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी चुंबकीय उत्तर के साथ में कोई डिग्री पड़ी जाती है तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। तो जब कंपास की सहायता से कोई भी डिग्री पड़ी जाती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। तो ये कौन किसकी सहायता से देखा जाता है? कंपास की सहायता से। और तीसरा होता है ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग जो वास्तव में धरातल पर उस पर्टिकुलर पॉइंट का नॉर्थ के साथ में जो एंगल बनता है, दैट इज नोन एज ट्रू बियरिंग। और ये सिर्फ कैलकुलेट ही किया जा सकता है। तो यानी
उत्तर दिशा तीन प्रकार की होती है, मानचित्रीय उत्तर, चुंबकीय उत्तर, वास्तविक उत्तर। फिर यदि हम मानचित्र के उत्तर के साथ में एंगल को नाप रहे हैं किसकी सहायता से, सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से, तो वो कहलाएगा ग्रिड बियरिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GB। यदि हम कंपास की सहायता से जमीन पर किसी भी पॉइंट का डिग्री पढ़ रहे हैं तो वो कहलाती है मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि हम कंपास की सहायता से कर रहे हैं और कंपास में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है चुंबक। तो दैट्स वाई इट इज नोन एज मैग्नेटिक बियरिंग, और हम इसको किसके द्वारा नापते हैं, कंपास की सहायता से। तीसरा होता है ट्रू नॉर्थ, वास्तविक उत्तर, जो वास्तविक उत्तर के साथ धरातल वाले किसी पॉइंट की जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं ट्रू बियरिंग। इसको सिर्फ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ऐसा नहीं होता है हम किसी चीज़ से इसको नाप सकते हैं। इन तीनों उत्तर दिशाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, कुछ ना कुछ इनका अंतर रहता है, वेरिएशन रहता है, जिसको मैग्नेटिक वेरिएशन या ग्रिड MV कहते हैं। ये वेरिएशन जो होती है उसको ऐड और माइनस करके हम अपना रियल आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए कन्वर्जन ऑफ बियरिंग MB टू TB, MB इज मैग्नेटिक बियरिंग और TB इज ट्रू बियरिंग। बताया था मैग्नेटिक बियरिंग जो कंपास में चली जा रही है, ट्रू बियरिंग जो वास्तव में धरातल पर है। तो इसमें बताया मैग्नेटिक बियरिंग जो है यदि 160 है डिग्री, यदि किसी की मैग्नेटिक बियरिंग 160 डिग्री है तो अब मैग्नेटिक वेरिएशन यहाँ पर बता रखा है 11 डिग्री वेस्ट, 160 डिग्री है MB और मैग्नेटिक वेरिएशन कितना है 11 डिग्री वेस्ट। इसमें हमें जब मैग्नेटिक वेरिएशन पढ़ते हैं तो इसमें नॉर्थ वेस्ट, और ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट देखना है कि क्या चीज़ आ रही है, ईस्ट वेस्ट क्या आ रहा है, तो आपको बताना है कि ट्रू बियरिंग क्या होगी। ये है ट्रू नॉर्थ। अभी इसको देखेंगे किस संदर्भ में देखा जाता है, मैंने बता दिया कि मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग किस संदर्भ में देखा जाता है, नॉर्थ के हिसाब से। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये ट्रू नॉर्थ है, और 11 डिग्री वेस्ट की, तो वेस्ट किस तरफ है, इस तरफ है, तो यानी इन दोनों के बीच में 11 डिग्री का अंतर है, इन दोनों के बीच में 11 डिग्री का अंतर है। तो ऐसे कंडीशन में TB कितनी होगी रेस्ट, तो यदि वेस्ट में होता है तो हम इसको माइनस करेंगे, MB में से MV को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, TB यानी ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग वास्तव में जो धरातल पर है, मैग्नेटिक बियरिंग जो हम कंपास से ले रहे हैं, मैग्नेटिक वेरिएशन जो उनमें दिया रहता है, मैग्नेटिक वेरिएशन लिखा रहता है या बताया रखा होता है कि कितना मैग्नेटिक वेरिएशन है। यदि मैग्नेटिक वेरिएशन वेस्ट है यानी ट्रू नॉर्थ के लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो यदि ट्रू नॉर्थ के लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब हम वेस्ट साइड में है, तो इसका मतलब हम इसको माइनस करेंगे, और यदि ट्रू नॉर्थ के राइट में होता तो हम इसको प्लस कर लेंगे। तो ईस्ट में होगा तो प्लस, वेस्ट में होगा तो माइनस। तो इस तरीके से हम ट्रू बियरिंग निकाल लेंगे, जैसे 160 माइनस 11 इज इक्वल टू 149 डिग्री। ये है ट्रू बियरिंग, कन्वर्जन ऑफ बियरिंग। फिर है ग्रिड बियरिंग टू मैग्नेटिक बियरिंग। ग्रिड बियरिंग बताया, ग्रिड वर्ड जैसे ही आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रिड यानी मानचित्र, मैप, नक्शा, नक्शे के ऊपर जो लाइंस बनी होती है उनका जो उससे जो एंगल बनता है, नॉर्थ के साथ में जो एंगल बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो कहलाता है ग्रिड बियरिंग। और MB अगेन जो कंपास की सहायता से, अब मैग्नेट की सहायता से लेते हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक बियरिंग। यूजिंग ग्रिड मैग्नेटिक एंगल, इसके अंदर हम यूज करते हैं GMA, ग्रिड कन्वर्जेंस, ग्रिड मैग्नेटिक एंगल, क्या कहते हैं GMA, यदि ग्रिड मैग्नेटिक एंगल, ये क्या होता है, ग्रिड कन्वर्जेंस माइनस मैग्नेटिक वेरिएशन। ये क्या होता है, मैग्नेटिक वेरिएशन जगह जगह के हिसाब से अलग होता है, और ग्रिड कन्वर्जेंस हमें दे रखा होता है, और ये टाइम और प्लेस के अनुसार चेंज होता रहता है। और ये कहाँ पर लिखा रहता है, ग्रिड मैग्नेटिक वेरिएशन और ग्रिड कन्वर्जेंस, तो ग्रिड कन्वर्जेंस जो है वो कहाँ लिखा रहता है, नक्शे के ऊपर टॉप में लिखा रहता है हमेशा। कोई भी नक्शा यदि आप प्रॉपर नक्शा देखेंगे तो उसके ऊपर टॉप में मैग्नेटिक वेरिएशन और ग्रिड कन्वर्जेंस दे रखा होता है कि कितने साल में ये कितने डिग्री बढ़ता है, कितने डिग्री प्लस होता है, कितना डिग्री माइनस होता है, पूरा डिटेल दे रखा होता है। तो ये टाइम और प्लेस के अनुसार से चेंज होता रहता है।